तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के स्तरों के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम अंतर करेंगे कि कौन सा किस लेवल में आता है, जो कि एनसीईआरटी किताब के हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सरकार के बहुत से अंग होते हैं और बहुत से लेवल भी होते हैं, तो उसी लेवल के बारे में हम बात करने वाले हैं। सरकार का अंग जो है यानी कि पार्ट्स, वो तीन पार्ट्स में है। आपको मालूम होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसे आप इंग्लिश में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं। लेकिन सरकार के स्तरों की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी कि लेवल। तो सरकार जो है ना, तीन लेवल पर काम करती है। हमारे भारत देश में सरकार तीन लेवल पर काम करती है, तीन स्तरों पर। तो पहला जो लेवल है वह है केंद्र सरकार, जिसे आप राष्ट्र की सरकार भी कह सकते हैं। इसका इंग्लिश नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, इसमें कौन मुख्य रूप से काम करते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सांसद, यानी कि पूरे के पूरे कैबिनेट मंत्री भी इसके अंतर्गत आते हैं। और इनका काम जो होता है ना, मुख्य रूप से इनका राष्ट्र को लेकर काम होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ बैठक किस प्रकार किया जाए, अपने देश की रक्षा किस प्रकार किया जाए, अपने देश की जनता को किस प्रकार की स्कीम दिया जाए, किस प्रकार की सुविधाएं दी जाए। तो ये सारे काम जो है वो केंद्र सरकार करती है, यानी कि राष्ट्र स्तर के नेशनल लेवल पे जितने भी काम होते हैं वे सारे काम केंद्र सरकार करती है। ठीक, तो पहला हो गया केंद्र सरकार का स्तर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। ठीक ना, सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट। दूसरा हमारा आता है राज्य स्तर की सरकार, यानी कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। इसमें मुख्य रूप से जो नाम आता है उनका नाम आता है सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री जो राज्य के होते हैं वही, और विधायक यानी कि एमएलए वगैरह। ठीक, तो ये आ गए आपके राज्य स्तर की सरकारों में। इसमें काम जो होता है इनका, ये मुख्य काम होता है कि राज्य को अपने राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की जाए, अपने राज्य में किस प्रकार टैक्स सिस्टम लागू किया जाए, अपने राज्य में किस प्रकार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। तो ये राज्य स्तर की सरकार का काम होता है। ठीक, तो ये हो गया दो। और तीसरा जो स्थान होता है उसमें आता है आपका स्थानीय स्तर की सरकार, यानी कि लोकल लेवल का गवर्नमेंट। इसमें मुख्य रूप से आता है मुखिया, कहीं पर मुखिया कहा जाता है, कहीं पर ग्राम प्रधान कहा जाता है, कहीं पर सरपंच, तो कहीं पर मेयर। जो ये सब लेवल हैं, यह आता है आपका स्थानीय लेवल, जिसमें मुख्य रूप से गाँव, शहर के और कस्बों में जो सुधार की बात की जाती है, कानून संबंधी बात की जाती है, ये आपकी आती है स्थानीय लेवल। तो तीन पर लेवल होते हैं सरकार के, कौन कौन? एक केंद्र स्तर की, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरा होता है राज्य स्तर की, जो आप स्टेट लेवल कहते हैं, और तीसरा है आपका स्थानीय लेवल, जो कि आपका गाँव घर में चलता है। ठीक, तो अब आइए जानते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, और केंद्र में जितने भी होती है राष्ट्र स्तर में, वो रेल वगैरह सारा केंद्र के अंतर्गत आता है। तो अब आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है हमारा कि नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दोहराइए और क्या आप पहचान सकते हैं या सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर के से संबंधित करती हैं। तो देखिए, यहाँ पे तीन गोला लगाया गया, आप चाहे तो आप इसे कॉपी में इस प्रकार का सेम कर सकते हैं। ठीक, तो पहला है हमारा भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध। भारत सरकार ने रूस के साथ मैत्री संबंध किया, तो यह किस लेवल का आएगा? तो यह आ जाएगा राष्ट्रीय लेवल, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गोला भरा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में 8वीं में बोर्ड परीक्षा का निर्णय लेना, तो यह किस लेवल के सरकार में आएगा? तो यह आ जाएगा आपका राज्य लेवल की सरकार में। तो सेकेंड में आप ये वाला गोला करेंगे। तीसरा क्या है, डिब्रूगढ़ असम का एक जगह है। ठीक ना, असम का एक ज़िला है। और कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु का एक ज़िला है। ठीक ना, तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई रेल लाइन की सेवा शुरू की जाएगी, तो यह किस लेवल में आएगी? राष्ट्र लेवल यानी कि नेशनल लेवल। रेल जो है राष्ट्र स्तर की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक, तो यह तीसरा गोला भरा जाएगा। गाँव में एक सार्वजनिक कुएँ के स्थान को चुनने का निर्णय, तो यह मुख्य रूप से जो है मुखिया, सरपंच वगैरह लोग करते हैं, मेयर लोग। ठीक ना, तो यह आपका फर्स्ट नंबर में आ जाएगा। ठीक, इस गोला को भरा जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाना चाहती है, तो यह जो पटना है बिहार की राजधानी, तो यह किसके अंतर्गत आती है? बिहार सरकार यानी कि राज्य गवर्नमेंट। तो यह दो नंबर पर भरा जाएगा। अगला क्या है, हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का,
तो यह किस लेवल पर आएगा, सेकेंड लेवल पर, हरियाणा सरकार यानी राज्य सरकार है तो यह दो नंबर पर भरा जाएगा गोला। 1000 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय, तो 1000 रुपये तो पूरे भारत के लिए होगा, तो यह किसके अंदर में आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका नेशनल लेवल यानी कि राज्य स्तर की। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अंतर में आ गया होगा कि केंद्र सरकार ने कौन से काम करते हैं और राज्य सरकार के कौन से काम होते हैं। तो इस वीडियो से आप जो है सरकार के स्तरों का पूर्ण ज्ञान हो गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, साथ ही आप अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे न सिर्फ पढ़ाई की वीडियो लाता हूँ बल्कि आपको हर तरह की टॉपिक्स के वीडियो देता हूँ। तो खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।